तो बना सुलझेगी अपने आप ये उलझने कभी, सुलझेगी अपने आप ये उलझने कभी। ऐ होम्योपैथ अपनी पहचान तो बना।
लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारी रिवायती मेडिसिन जैसे एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, वहाँ पर रिसर्च बहुत होती है, बहुत ज्यादा पैसा जो है रिसर्च पर खर्च किया जाता है। बेसिकली इनकी तमाम रिसर्च का दारोमदार मादियत परस्ती पर है। वो डिजीज की कॉज को मैटर में ढूंढते हैं, वो मैटर चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक से बियॉन्ड हो, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर माइक्रोन में और फिर उससे छोटा स्ट्रक्चर नैनो माइक्रोन में, अब नाउडेज इन 21st सेंचुरी इससे भी छोटा स्ट्रक्चर पिको माइक्रोन तक तो डिस्कवर हुआ, लेकिन पिको माइक्रोन से आगे डिस्कवर नहीं हुआ। इसी तरह जब हम केमिकल केमिकल की बात करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर तक एक हद तक हम एलोपैथिक मेडिसिन के सभी अज्जा को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हैवी मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट और लो मॉलिक्यूलर के अंदर जरा पहले ही हम मटेरियल जो है एवोगैड्रो नंबर तक कंट्रोल में पाते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हम डायनामाइजेशन प्रोसेस के तहत तकनील दर तकनील के मल्टी फ्रिक्वेंसी को आगे की तरफ लेके जाते हैं, उसमें मात्रा डिसअपियर हो जाता है और हमें उसके अंदर इमेटीरियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन तो मिलते हैं, मेमोरी तो मिलती है, मेडिसिन का इमेज तो मिलता है, लेकिन हम उसको साइंटिफिकली अभी नहीं कर सकते। उसके लिए खासी नई टेक्निक आइस क्रिस्टल टेक्निक है। आइस क्रिस्टल टेक्निक का तरीका ये, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर के क्रिस्टल्स अलग होते हैं, सॉल्टेड वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स अलग होते हैं, मुख्तलिफ सॉल्वेंट को पानी में हल करके जब हम उन्हें फ्रीज करते हैं तो उनके क्रिस्टल्स अलग होते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक पोटेंसीज को जब उन्हें पानी में डालकर फ्रीज किया तो उनके क्रिस्टल्स अलग बने। तो आइस क्रिस्टल टेक्निक से पता चलाया गया कि होम्योपैथिक पोटेंसी और दवाएं क्या क्या होती है, उसमें भी काम हो रहा है। फिर एक और टेक्निक है जिससे हम खास फोटोग्राफी के तहत हम थर्डी और एडवांस पोटेंसीज की बॉटल्स जो है वो कैरोलिन फोटोग्राफी टेक्निक के तहत हम फिल्म पर रखते हैं और फिर उसका इमेज हासिल करते हैं। तो देखा गया कि बैलाडोना ने अलग इमेज दिया, बैलाडोना 200 का इमेज अलग था जो उसी से मिलता जुलता था, कैमोमिला 30 कैमोमिला 1000 कैमोमिला की हाई पोटेंसीज के इमेजेस अलग अलग हासिल हुए। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके से गैसोफिल हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट है, इसको कमल के तहत तैयार किया गया, उसकी पोटेंसी हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसने जाकर स्टमीन की प्रोडक्शन को ट्रिगर किया। एज यू नो वेल गैसोफिल का तालमेल जो है वो हिपरीन प्रोडक्शन से स्टमीन की प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। करते करते काम बहुत आगे जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत जरूरत बाकी है। आने मैंने भी बात को संजीवनी से लिया, संजीवनी से लेने के बाद क्या रीजन है कि हम होम्योपैथिक दवाएं देते हैं बर्ड ठीक हो जाता है लेकिन बात लोग ठीक नहीं होते। फिर उसने उसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद उसने ये खास टर्म जो है ब्लू लैंग्वेज में डिस्कवर किया, उसका नाम म्यांस है। म्यांस को लोग मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करते हैं। म्यांस का एक मीनिंग जो है वो फॉग कोहर पाला या एक ऐसा बींग के अंदर या पर्सन के अंदर एक ऐसा पैटर्न जो बीमारी मेटीरियल फॉर्म में तो ठीक हो जाए लेकिन बीमारी के ठीक होने के बाद उस बीमारी के इफेक्ट बॉडी में रिमेनिंग रहे। हम आम लाइफ में सुनते हैं जब से मुझे चोट लगी, चोट तो ठीक हो गई, फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन जब से मैं वेल नहीं हूँ, जब से मुझे टाइफाइड हुआ था उसके बाद से आई एम नॉट फीलिंग वेल, माई डिजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वेल, जब से मुझे मीजल्स निकली थी या जब से मुझे कोई वेनेरियल डिजीज हुई थी वो तो ठीक हो गई लेकिन उसके बाद से ये मैटर्स जो है वो स्किन के अपीयर हो रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। इधर तो सिम्टोमेटिक हो यानी अलामत के बगैर यानी नजर आ रहा है, जैसे लिक्विड डरमा सफेद कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं है, डॉर्मेंट स्टेट की डिजीज है, बॉडी के अंदर आ रही है और आने के बाद एक्सटर्नली अपीयर हो रही है, लेकिन उस डॉर्मेंट डिजीज के पीछे कोई ना कोई मैटर तो होगा जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, फिर मेलानिन को बनने से रोक रहा है, मेलानिन की डेफिशिएंसी का सबब बन रहा है। अब इसी तरह हम आगे की तरफ चलते हैं तो पता चला ये ऐसा मैटर है जब से इंसान बीमार होता है, बीमार होने के बाद बीमारी की माती दवा को माती इलाज करके उसको ठीक कर लिया जाता है लेकिन उसके इमेटीरियल और गैर माती इंसान जो है बॉडी में रह जाते हैं, हम उसे म्यांस कहते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर उसको सिक्वेल कहते हैं, जैसे कि मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद इल इफेक्ट, सिक्वेल की ऑफिशियल मीनिंग है इल इफेक्ट
इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, बीमारी के बुरे साथ। दे सेड मैलेरियल सिक्वेल, अब मैलेरियल सिक्वेल के अंदर लिम्फेमिया तक भी जाता है, मैलेरियल सिक्वेल के अंदर स्पेनोमेगाली और हेपेटिक मेगाली, जिगर बढ़ जाता है, दिल्ली बढ़ जाती है, मलेरियल जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि मलेरिया इतना हेमोलाइटिक डिजीज, खून तोड़ने वाली बीमारी है। आदमी सी ब्रेक होते हैं उसके नजीज में बिलीरोफेट बनता है, बिलीरोफेट लेवल बढ़ता है, एलर्जी डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, मलेरियल जॉन्डिस या मलेरियल इंटर। तो इसी तरह वो लोग वो दरअसल मैटर की फॉर्म में चीजों को ढूंढते हैं और किन लिपेट्स को भी मैटर में ढूंढते हैं, तो उसको कहते हैं सिक्वेल ऑफ सिक्वेल, जैसे मलेरियल सिक्वेल, एड्स सिक्वेल, ट्यूबरक्लोसिस सिक्वेल, सिफिलिस सिक्वेल, गोनोरिया सिक्वेल, एज वेल एज अदर पार्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने इसको बहुत आगे की तरफ दिया और आगे की तरफ देते हुए हमने बंदे फिर उसके लिए वर्क करते हुए क्लासिफिकेशन की और उसे नाम दिया। बेसिकली शुरू में तो जो म्यांग डिस्कवर हुए एक मदर ऑफ डिजीज सोरा था जो नॉन मेरियल किसान म्यास में, और उसी की एक दूसरी टाइप ट्यूबरक्लोसिस वो भी नॉन वेनेरियल म्यास में, और उसके बरक्स टू म्यास गए वो वेनेरियल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के चार साधन थे, जो सिफिलिनिया सिफिलिस और जिसको साइकोसिस यानी जो गोनोरिया की डिवाइस को जूझ में आया। इस तरह से बैकग्राउंड ले लेते हैं, जिस जमाने में हमें वेनी डिस्कवर हुई थी, जरा उस दौर को देखिए, वो दौर बहुत पुराना दौर है। उस जमाने में स्टेथोस्कोप डिस्कवर किया हुआ था, ऑस्कल्टेशन कराया था, दोनों मुट्ठियों को बंद करके चेस्ट पर या पेट पर रखकर की जाती थी, सर्कशन की तरह कर की जाती थी, लाइक दैट। आपने वर्ल्ड वॉर की पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा कि फौजी जो जबरदस्ती जॉब करने से भागते थे, बीमार पड़ते थे, तो डॉक्टर कहता था तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम बीमार होगे तो तुम्हें फौज से निकाला जाएगा, अदरवाइज तुम्हें जॉब पर जाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा वो इसी तरह रखकर चेक कर रहे होते थे। थर्मामीटर नहीं था, थर्मामीटर की जगह चेक किया जाता था पल्स के पर, पल्स अगर 5 डिजिट पड़ रही है तो 1 डिग्री टेम्परेचर रेज हो रहा है, माइक्रोस्कोप नहीं था, लाइक दैट। इस तरह के मॉडर्न डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट नहीं थे उस जमाने में। हमें मैंने ये कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने क्रॉनिक डिजीज की वजूहत इटियोलॉजी और रीजन म्यास की सूरत में पता चल जाए। तो ये म्यास की इंपॉर्टेंस है। फिर म्यासमेटिक रेमेडीज बनी, म्यासमेटिक रेमेडीज में दो सोर्स शामिल है और साथ साथ बहुत जरूरत ईजाद की माँ है, फर्टाइल माइंड भी मौजूद है। उन्होंने मसूड के साथ साथ नॉन मसूडल मेडिसिन पर भी काम किया, पता चला एंटीसिपरेटिव एंटीसिपरेटिव दवा तो सिफिलिनिया में याद रखना। अच्छा, होम्योपैथी में एंटी लव्स नहीं है, हम एंटी वर्क नहीं करते, हम सिमिलर वर्क करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एंटी का लव्स स्थारण लिया है। हम एंटी टैबलेटिंग लव्स यूज करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एंटीबायोटिक यानी कि एंटीसेप्टिक टाइप है, तो हमारे यहाँ सिमिलर में एंटी का लव्स यूज नहीं है। प्लीज मॉर्निंग टू माइंड मैथमेटिक रेमेडीज है, यानी कि कोई भी मेटेरियल बीमारी भी उस बीमारी का इलाज या तो नेचुरल तौर पर बहुत हुआ या फिर कुछ सही नहीं हुई तो उसको रिवाइविंग मेडिसिन के जरिए ठीक कराया गया, तो मेटेरियल कॉज तो खत्म हो गई, लेकिन बॉडी में जो हमारी बॉडी का एक मेटेरियल का मेटेरियल एस्पेक्ट है जिसको हम सोल या स्पिरिट कहते हैं, और उसी के इन बिटवीन एक बेटर है जो हमें सही रख रहा है, दैट इज दिस वाइटल फोर्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है। जब डिजीज होती है तो वाटर फोर्स क्लियरली होती है, वाटर फोर्स क्लियरली होती है तो वो उसको अपनी एक पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन इन सिम्टम्स की सूरत में पेश कर रही है। हर डिजीज की साइन और सिम्टम्स अलग अलग है और उन्हीं सिम्टोमेटोलॉजी की मदद से हम उसके सिमिलर दवा को चॉइस करते हैं और टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर उसकी सिमिलर लेयर या सिमिलर दवा मुंतखब करके उसकी डिजीज की एक्सटेंसिटी और इंटेंसिटी के लिहाज से टेंसी को मुंतखब करते हैं। अगर वो पैथोलॉजिकल है तो मदर टीचर रोल टेंसी में एक्यूट है तो स्टैंडर्ड टेंसी 30, सब एक्यूट है तो 200, इफ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इज इन द मेंटल स्टेट तो फिर हम 1.5 में मुंतखब करते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो तो फिर हम करते हैं 50 मिलीसीमल में इंतजाम ताकि ड्रग एडमिशन ना हो और पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। तो पता चला कि म्यास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और म्यासमेटिक रेमेडीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे सिफिलिनियम जो ट्रिपिनोमा पैलेटियम के बाइस होता है, उसकी एक पार्टिकुलर सिम्टम है, पहले वो प्राइमरी स्टेज में आता है,
फिर वो दोबारा बॉडी में इन्हेल्स करता है, फिर दोबारा से सेकेंडरीज ले जाती है, पूरी बॉडी में रैशेज अपीयर होते हैं, फिर वो रैशेज जब ठीक होते हैं तो वो कॉपर कलर मास्क छूटते हैं, दोबारा ट्रिपोनोमा पैरिटल बॉडी में कॉन्टैक्ट के साथ इन्हेल्स करता है। अब वो लिक्विड टिश्यू के थ्रू सॉफ्ट टिश्यू को और हार्ड टिश्यू तक तो डैमेज कर देता है, पूरी तरह से डैमेज करता है, पेशेंट नहीं बच पाता, नेजल बोन डिस्ट्रॉय हो जाती है, आंखें डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर लोग उसका इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी मरीज कहता है ठीक नहीं हुआ। तो ये गोनोकोकाई जो है वो अमोनिया का सबब बनता है, गोनोकोकाई जो है वो यूटीआई को जनरल ट्रैक को डिस्टर्ब करता है, अगर हाथ हो जाए तो गोनोकोकल ऑफ्थाल्मिया का सबब बनता है, और यहीं से फिर वो ईएनटी यानी अपर और लोअर स्पेक्ट्रम में जाकर कान के जरिए और ऑस्टिकल ट्यूब को, मिडिल ईयर को और लोअर स्पाइनल ट्रैक को डैमेज करता है। स्किन के ऊपर गोनोकोकल रैशेज अपीयर करते हैं, खास निशान है, यानी आम पस्टुल जो होगा उसके अराउंड रेड कलर का रिंग नहीं होगा, लेकिन गोनोरिया के जो पस्टुल होंगे इसके अराउंड रेड कलर का रिंग होगा, और आम पल्स भी एक्टिव होती है, उसमें पाइपिक एसिड होता है, लेकिन गोनोकोकल पल्स जो मच एक्टिव होती है, उसको डैमेज करती है, और मच क्वांटिटी में स्टर्मिंग यूज होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा कटिंग होती है, और बहुत ज्यादा नेक्रोटिक इफेक्ट्स अपीयर होते हैं। बीमारी को सिंगल एंटीबायोटिक डोज के जरिए ठीक किया जा सकता है, नैसे के टाइप का काला कमा हो जाता है, लेकिन पेशेंट बाद में कहता है या तो उसे वॉर्ड्स निकल आए, पिंक वॉर्ड्स निकल आए, आंखें दिख रही है, या उसकी गरीब में नहीं जलन है, या उससे कंसर्न अभी भी प्रॉब्लम है, ये साइकोटिक न्याज है, जिसको हम साइकोटिक न्याज के नाम से जानते हैं। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइस होती है, तेजी के साथ डिस्ट्रॉय करने वाला बैक्टीरियम है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी सी इतना कम होते हैं, एच पी इतना कम हो जाता है कि आदमी के दरमियान नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ये सर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट के अंदर ईगर खत्म हो जाती है, ट्यूबरकुलर टैकेक्सिया हो जाता है, एनोरेक्सिया होता है, स्वेटिंग होती है, डॉक्टर को फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी करता है। नाउ नोटिस पूरी दुनिया में बड़ी मजाक कर रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइस एमडीआर यानी मल्टी डोज रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट होते होते एक्सट्रीम मल्टी डोज रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो गया है। बारह डॉक्टर कहता है कि दवा खाओगे तो ये मरेगा, अदरवाइज नहीं मरेगा, जब वो मर तो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में भी पेशेंट कहता है कि मेरी भूख खत्म हो गई, मैं कमजोर हूँ, आई एम नॉट गेनिंग माय वेट, आई एम टू मच वीक, आई एम बेटर नाउ, आई एम नॉट फीलिंग फीवर, नो नॉक्टर्नल पर्सपिरेशन, बट दिस इज डायग्नोस्ड वेल, दिस इज टू फॉर्म ट्यूबरकुलर फॉगी मैटर बैक्टीरियल फॉर्म में बॉडी पे अपना इजहार करता है। सोरा किस तरह से इजहार करता है, सोरा जो है गवर्नमेंट स्टेज के अंदर है, अब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सेल के अंदर एक हैवी मॉलिकुलर प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं स्टर्मिंग, जहाँ भी हमारे सेल बॉडी के अंदर डैमेज होती है, नेगेटिविटी होती है, डिजीज होती है, साउंड दिस लॉट्स ऑफ पर्सन आर फीलिंग गर्मी के साथ स्टर्मिंग रिलीज हो रहा है, अपने लिए चली गर्मी लाने निकले हुए, वो डॉर्मेंट सोरा बाहर आ गया, डीजी के साथ इचिंग हो रही है, और सोरा की तीन हेड सिम्टम्स है, बर्निंग, इचिंग है, रैगनेस, और हम देखते हैं कि जब ये ठीक हो जाता है तो डॉर्मेंट में चला जाता है। सोरा जो इन सर्दियों में डॉर्मेंट स्टेज में होता है, इतना हर्ट नहीं करता, सोरा का पेशेंट जो है वो हसत और जोश में चल रहा होता है, तप रहा होता है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्लेवर होता है, इसीलिए सोरिक डिजीज जो है वो एक्टिवेट रखती है। और अब हम गजेबुल प्रोजेक्ट के महीने में है, नाउ डेज आपने देखा होगा, आप लोग मसाजिद जाते होंगे तो आपकी तीनी आ जाएंगी और आपके सरबरा जो है वो दर्द देते हैं, नाउ डेज जोर दिया जा रहा है कि आप अल्लाह अल्लाह करें कि बहुत होता पड़ते महीना है, अवॉइड करें, झूठ ना बोले, रिबर का करें, डराया जाता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो रिबर करते कुछ लोगों को देखा कि उनके नाखून तांबे के थे, वो उससे खुला रहे थे, ताने निकले हुए थे, इसका मतलब नेगेटिविटी बुरा बोलना एक्स वाई जेड जो है वो सोरा को डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में बाहर लाता है। तो सोरिक मैनिफेस्टेशन जो है वो मदर ऑफ डिजीज कहलाती है, और हमारी बॉडी में जहाँ भी होने वाला वो मच स्टर्मिन रिलीज कराने का सबब बनता है, एलोपैथिक डॉक्टर उसको एक्टिव स्टर्मिन से सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बहरहाल ग्लूकोज को ठीक नहीं किया गया, सफाई सुथराई, सच बोलना, वक्त पर सोना, जल्दी उठना, मजहबी एक्टिविटी से करीब रहना, फिर सो
महाराज वाले भी गवर्नमेंट के अंदर जाता है, मतलब ये सच्चाई जो है वो पूरे काम रहने की तरफ लाती है, और जो इससे डेविएट करता है देखा हुआ वो एग्रेसिव होता है, क्रैश हो जाता है, चिड़ने लगता है, और फिर देखा हुआ सब दोष में जलता है, उसके अंदर स्ट्रगलिंग बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो इसी तरह ये न्याज का पता चला है, न्याज में ठीक दवाएं बनी, पर टाइम मार्केट होम्योपैथिक डॉक्टर ने नॉन सोडल होम्योपैथिक दवाओं का पता चलाया, इससे सोराइनाइन के अंदर वो सोडल एंटी सोरिक रेमेडी, तो नॉन सोडल सल्फर ग्रुप से सल्फर आयोडाइड है, एंड सल्फर कंपोनेंट पार्सल कैल्केनिया सल लाइक दैट स्वाइन शो। इसी तरह जब हम ट्यूबर प्रोसेस की बात करते हैं तो ट्यूबर प्रोसेस की लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं।